बस आज इतनी धीरे क्यों चल रही है? तिलक नगर स्टॉप अभी तक आया नहीं है। सुनिए भाई साहब, भाई साहब स्कोर क्या हुआ? 217/4। अरे यार लगता है इस बार भी इंडिया हार जाएगी। अरे नहीं नहीं, जब तक अपना कैप्टन क्रीज पर है ना तब तक हम जीत सकते हैं। देखते हैं। हाय हाय। आज तू भी लेट हो गई। नहीं यार, मैं तो टाइम पर पहुंच गई थी, पर पता नहीं बस लेट हो गई। थैंक गॉड कि बस अभी तक नहीं आई। पता नहीं आज बस को क्या हो गया, हमेशा तो टाइम पर आ जाती है ना। देखो ना, अब शहर का ट्रैफिक भी इतना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है कि कोई क्या कर सकता है। इसीलिए कहती हूँ बेबी, एक कार खरीद ले, ये रोज रोज का ना बस का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ना बाबा ना, अपने घर की EMI चुकाते चुकाते मेरी आधी सैलरी खत्म हो जाती। कार खरीद ली तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। तो अपने बॉस को क्यों नहीं बोलती सैलरी बढ़ाने के लिए? वैसे भी वो तेरी किसी भी बात को इनकार कहाँ करते। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे बस आ गई। अरे बस वहाँ क्यों रुक गई? इसका स्टॉप तो यहाँ है ना? पता नहीं, चल चल के देखते हैं। चल चल। दरवाजा खोलो। अरे भैया दरवाजा खोलो, कोई खोल ही नहीं रहा। ये बस में इतनी गंदी बदबू कैसी? सबके सब सो रहे हैं क्या? चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उदय उदय मधु, ओह गॉड, ये सब लोग तो मर चुके। इन मुजरिमों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं सालों के साथ। एक नहीं दो नहीं, पूरी की पूरी बस के सभी लोगों को मार डाला उन्होंने। हाँ यार, पता नहीं क्या होता जा रहा लोगों, जरा जरा सी बातें लड़ाई झगड़ा मार काट, वेरी बैड। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी भी चेकिंग चल रही है अंदर। सर दो लड़कियां बची लेकिन बेहोश, अभी कैसी तबीयत है इन लोगों की? सर इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। क्या पता चला, अंदर रेडिएशन है क्या? नहीं, किसी तरह के रेडिएशन नहीं है, मैंने अच्छी तरह से चेक किया। इसका मतलब हम लोग अंदर जा सकते? जी जा सकते हैं। थैंक यू। मामला तो जहर का ही लग रहा है सारों के साथ। सर इतने सारे लोगों को एक साथ जहर दे दिया? मुझे तो लगता है इस बस की हवा में ही कोई जहरीली गैस घुस गई है जिसकी वजह सब मर गए। सारों के साहब आपको क्या लगता है ये कौन सी गैस हो सकती है? अब ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी गैस है। Thank you.
सारुंके साहब। हाँ अभिजीत। जरा ये देखिए, ये ग्रीन कलर का ये सब्सटेंस है, यही तो जहरीला केमिकल नहीं? हो सकता है अभिजीत। ऑफिसर्स, दोनों लड़कियों में से एक लड़की को होश आ चुका है। फ्रेडी, सचिन, तुम लोग पूरी बस को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो वो जहरीला केमिकल कहाँ से आया, चेक करो। सर, बात कर सकते हैं उनसे? जी, उनसे बात हो सकती है। अभी कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ सर, मगर ये सब हुआ कैसे? ये तो आप ही बताइए। अच्छा, ये जब बस रुकी तो आप में से बस में से किसी को उतरते या किसी आदमी को बस में चढ़ते हुए देखा क्या? नहीं सर, ना तो कोई उतरा ना ही कोई चढ़ा। जब मैंने बस का दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, पूरा का पूरा शमशान बना हुआ था सर। और सर, उसके बाद हम लोग बेहोश हो गए थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए। जी। जी डॉक्टर साहब, कुछ पता चला क्या? हाँ अभिजीत, ये देखो, जहर ने चमड़ी पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सबकी चमड़ी पर हरे हरे दाग आना शुरू हो गए, देखो। पता चला इतने सारे लोग कैसे मरे? आधे मैंने टेस्ट कर लिया, ये जो जगह जगह से चमड़ी हरी हो गई है ना, ये लेस्कोसेंडाइल नाम की जहरीली गैस की वजह से हुई है। उस गैस की वजह से मौत हुई है इन लोगों। लेस्कोसेंडाइल, ये किस तरह की गैस है? बहुत ही खतरनाक और कम पाए जाने वाली गैस है, एक ऐसा बायोकेमिकल एजेंट जो आसानी से किसी के हाथ नहीं लग सकता। आसानी से नहीं मिलता, इसका मतलब है शहर में ऐसे बहुत कम लैबोरेटरीज हैं जहाँ पे इस तरह के केमिकल्स मिलते होंगे। सिर्फ 4-5 लैबोरेटरीज ऐसी होंगी, उनकी लिस्ट में तुम्हें दे दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बात और, वैसे तो ये गैस हवा से भारी होती है, इसलिए बहुत धीरे धीरे फैलती है, लेकिन अगर इसे किसी तेज हवा के जरिए फैलाया जाए, जैसे कि पंखा या एसी, तो ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। पंखा या एसी? बस भी तो एसी बस थी। एग्जैक्टली, और आतंकवादी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने एसी बस चुनी, जिससे इन बेचारों को बचने का मौका ही नहीं मिला। और एक बात, अगर ये गैस किसी भी तरह इंसान के शरीर में चली जाए तो 7 से 10 मिनट के अंदर उसकी मौत तो निश्चित है। सर, जिसने भी ये किया है बहुत ही बड़ी प्लानिंग, बहुत ही बड़े मकसद के साथ किया है। एक बार ये पता चल जाए कि ये केमिकल आया कहां से, किस लेबोरेटरी से, तो मकसद भी पता चल जाएगा। अभिनीत, क्या पता चला? सभी लैब्स को जानकारी भेज दी है, जैसे पता चले वो केमिकल कहाँ से गायब हुआ है वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। सर, मैंने तकरीबन सारे पैसेंजर्स की डिटेल्स चेक कर ली है, किसी का भी आपस में कोई संबंध नहीं है, सभी लोग अलग अलग जगह काम कर रहे थे, कोई बैंकर था, कोई डॉक्टर था, कोई अकाउंटेंट था। अगर एक चीज उन सब में कॉमन थी तो सिर्फ ये कि वो उसी बस में ट्रैवल कर रहे थे। मुझे तो लगता है इसके पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है, जो लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। आतंकवादी संगठन? सर, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये कौन सा नया तरीका अपना लिया इन लोगों ने? अभी तो सिर्फ बस में हुआ है, कल को शहर में कहीं भी हो सकता है, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। सर, डॉक्टर सालुंके कह रहे थे कि वो केमिकल हवा से फैलता है, हो सकता है वो केमिकल बस के एसी के जरिए फैलाया हो। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसने किसी बैग के अंदर वो चीज रखी हो। हाँ सर, और वो बैग बस में रख के अगले स्टॉप पे उतर गया होगा। वो बस के टिकट की मशीन लेके आओ, देखो कितने लोग चढ़े थे बस के अंदर। सर, ये भी तो हो सकता है कि वो आतंकवादी सुसाइड स्क्वाड का हो और पैसेंजर्स के साथ वो खुद भी मर गया हो। हो सकता है, बस के अंदर जितने लोग मरे थे सबकी बॉडी की शिनाख्त हो गई? नहीं सर, अभी कुछ बाकी है। सर,
कुल मिला के 35 लोग चढ़े थे बस में। 35 लोग और हमें लाशें मिली हैं 22 लोगों की, मतलब 13 लोग बस से नीचे उतरे हैं। और सर जहां से बस शुरू हुई थी वहां से लेकर तिलक नगर जहां बस मिली, टोटल 5 बस स्टॉप्स हैं। तो इन 13 लोगों के बारे में पता लगाते हैं, इन 5 बस स्टॉप में उतरे थे। बस को अच्छे तरीके से चेक करना होगा और बस के अंदर जो बैग मिले थे उनको भी छान मारते हैं। सर ये जतिन है, गाड़ियों के पुर्जे की अच्छी जानकारी है इसे। जतिन बस का एसी अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई छिड़कानी तो नहीं की गई। ओके सर। एसी का वेंटिलेशन चेक करो, देखो कहीं हरा रंग दिखता है क्या। सारा सामान ध्यान से चेक करना, 22 लोगों की मौत हुई है, कुछ भी हो सकता है। इसमें तो कुछ नहीं है सर, इधर भी कुछ भी नहीं मिला। नहीं सर कुछ भी नहीं है। कमाल है, सारा सामान चेक कर लिया पर केमिकल का कहीं कोई नामो निशान नहीं। शायद इस बस में कुछ मिला। सर एसी में तो कुछ नहीं मिला। कमाल है, बस में अगर नहीं है तो वह जहरीली गैस आई तो आई कहां से। वो एयर फिल्टर चेक किया। यस सर, कुछ नहीं मिला उसमें भी। एसी के जरिए अगर वो जहरीली गैस नहीं आई है बस के अंदर तो फिर गैस आई कहां से। हाँ दया, हाँ कुछ मिला उस बस में। बस में कुछ नहीं मिला, एसी में चेक किया, मगर वो केमिकल कहीं ना कहीं से तो फैला ही है ना। हाँ ठीक है, अगर कुछ पता चलता तो फोन करो मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है सर, केमिकल ना तो बस में है और ना ही सामान में, तो फिर ये केमिकल आया कहां से। फिर ये केमिकल आया कहीं आसपास से ही है। अगर ये केमिकल गैस फॉर्म में है तो हो सकता है किसी ने छोटी सी बॉटल में डाल के लाया। तो बैग फिर से चेक करना। सर इस बैग के अंदर कुछ है। ये देखो,
ये है वो बॉटल जिसमें केमिकल रखा गया था। तो इस बैग के अंदर भी वो हरा लगा हुआ है सर। सर बॉटल को देख के तो लगता है कि ये एक ऑर्डिनरी बॉटल है और बॉटल के अंदर केमिकल हाथ से डाला गया होगा। इस सीट में 16 पे कौन बैठा सर? सर सीट नंबर 16 पे कोई राजेश है सर। राजेश? तो राजेश आतंकवादी है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका बेटा आतंकवादी है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके बेटे राजेश के बैग में से हमें वो जहरीली केमिकल वाली बॉटल मिली। नहीं जरूर किसी ने ये बॉटल मेरे राजेश के बैग में रख दिया होगा। मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा था सर, मेरा बेटा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था सर। सर विश्वास कीजिए वो ऐसे नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सर अंदर कुछ नहीं मिला। देखा सर, देखा अब तो विश्वास हुआ ना कि हम लोग शरीफ लोग हैं। एक तो बेटी की मौत ने हमें आधा कर दी, रही सही कसर इस इल्जाम ने। आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। आप लोग एक बार भी नहीं सोचते ना कि आप लोगों की ये पूछताछ किसी का दिल दुखा सकती है। तुम कौन हो? मेघा, राजेश की मंगेतर। ऑफिसर कुछ पता चला राजेश और उसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या उस बस में राजेश के दोस्त भी थे? जी हाँ, उस बस में उसके 7 दोस्त थे जो उसी के ऑफिस में काम करते थे। कहीं ये सारा किया धरा ऑफिस में किसी दुश्मनी को लेकर तो नहीं? पर सर अगर राजेश के ऑफिस में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे बताते, जरूर बताते मुझे। ये अस्थमा का पंप किसका है? राजेश का। क्या राजेश को अस्थमा था? हाँ सर, बहुत सीरियस अस्थमा था। अच्छा ये अस्थमा के मरीज तो इस तरह का पंप हमेशा अपने पास रखते हैं ना? जी। लेकिन सर हमें राजेश के बैग में या उसकी जेब में कोई अस्थमा का पंप नहीं मिला था। ये कैसे हो सकता है सर? मेरा बेटा राजेश बिना अस्थमा पंप के घर से बाहर ही नहीं जाते थे। ये तो एक्स्ट्रा है, इमरजेंसी के लिए घर में रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैग राजेश का था ही नहीं बल्कि बदल दिया गया था? हाँ सर, खूनी बैग बदल कर तिलक नगर से एक बस स्टॉप पहले यानी कि श्याम नगर के बस स्टॉप पे उतर गया होगा। अभिजीत अंदाजा बिल्कुल सही निकला, वो जहरीला केमिकल इस बॉटल से ही छोड़ा गया है। सर इस छोटी सी बॉटल में 22 लोगों को मारने की क्षमता है, अकल बड़ी की भैंस। अबे कौन सी सोच में डूब गया, भैंस बड़ी होती है ना। देख अकल तो छोटे से सिर में भी रह सकती है मगर भैंस को रखने के लिए इतने बड़े तबेले की जरूरत पड़ती है। सर सही बात है। छुट्टी हो गई, पहले एक था अब 2 हो गए। सर ये काम कैसे करता है? देखो ये बटन एक तार के जरिए इस बैटरी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये बटन दबाया ये तार गर्म होने लगा, इतना गर्म हो गया कि बाद में ये डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया। और जब ये जलने लगा तो धीरे धीरे इसके अंदर की गैस बाहर निकली और उसने तबाही मचा दी। ये बटन दबने और गैस निकलने के बीच कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब? 60 से 90 सेकंड। मतलब राजेश के पास 90 सेकंड थे बटन दबा के भागने के लिए। सर फिर तो ये राजेश तिलक नगर से एक स्टैंड पहले ही उतर सकता था, फिर भी ये बस में क्यों बैठा रहा? ये राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना? हाँ सर, किसी MRP कंपनी में काम करता था और महेश नगर में रहता है। सर
मैंने शहर की सारी लैब्स में पता कर लिया, कहीं से भी किसी भी केमिकल की चोरी नहीं हुई। कहीं से भी नहीं चुराया गया तो फिर वो खतरनाक केमिकल राजेश के बैग में आया कहां से? आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा, ना कोई पान वाला ना कोई चाय वाला, पूछे तो किससे पूछे? सर वो सामने सड़क के उस पर वो पेपर वाला दिख रहा है, उससे चल के पूछे। चलो सुनो जरा, तुमने कल सुबह 8:30 से 9:45 के बीच किसी आदमी को इस बैग के साथ देखा था वहां बस से उतरते हुए? 8:30 और 9 के बीच? अरे हाँ साहब, 8:30 और 9 के बीच एक क्या मस्त शूटिंग चल रही थी साहब। अब उसको छोड़ के कोई ये हैंडबैग देखेगा क्या? शूटिंग? कैसी शूटिंग साहब? वो सीरियल आ रहे ना, क्या नाम है उसका, साजन सजनी। हाँ, साजन सजनी का प्यार, उसी की शूटिंग चल रही थी साहब। कहाँ हो रही थी ये शूटिंग? शूटिंग आइए ना साहब, दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ। शूटिंग इधर चल रही थी साहब, इधर हीरो खड़ा था, इधर हीरोइन खड़ी थी, क्या मस्त डायलॉग बोल रही थी साहब, देख के तो मजा आ गया माँ कसम। हीरोइन यहाँ पे और हीरो यहाँ पे खड़ा था, और ये बस स्टॉप एग्जैक्टली इसके पीछे। अच्छा ये बताओ कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है? क्या साहब, जब हीरो इधर खड़ा है, हीरोइन इधर खड़ी है, तो कैमरा तो इधर ही होगा ना साहब। कैमरा वहां पे, हीरो हीरोइन यहाँ, और ठीक पीछे बस स्टॉप। शायद बस से उतरने वाले यात्री उस कैमरे में देखे हो। हाँ ये हो सकता है। ये शूटिंग कितनी देर तक चली थी? अरे साहब बात ये ना साहब, जो डायरेक्टर था बहुत खड़ूस था, हर बात पे काट काट काट, एक ही डायलॉग पूरे 2-2.5 घंटे। ठीक ठीक, क्या नाम बताया सीरियल का? साहब लगता है आपको भी शूटिंग देखनी है। अरे साहब इधर बगल वाली गली ना, उधर शूटिंग चल रही है, जाकर देख लो ना साहब। चलो राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। तो छोड़ दो इस दुनिया को, कुर्बान कर दो इस जहाँ को, और आ जाओ मेरी बाहों। आई कट कट कट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? 18वां रिटेक था, अगर इसी शॉट में पूरा दिन निकल गया तो प्रोड्यूसर तो मेरा बैंड बजा देगा। सॉरी सर, लेकिन सुचिता का वजन इतना ज्यादा है कि मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। मेरे वजन को दोष मत दो, अगर जिम में तुमने ज्यादा मेहनत की होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। डायरेक्टर साहब हमें आपसे कुछ बात करनी है। लो, अब इनको भी मुझसे बात करनी है। बताइए क्या बात करनी है? हम लोग CID से। आप लोग CID से हैं? लेकिन सर मेरे पास यहाँ शूट करने की परमिशन है, ये देखिए सर, ये लेटर है। इसकी जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ आने की वजह कुछ और ही है। वो क्या सर? आप लोग कल सुबह श्याम नगर बस स्टॉप पर शूटिंग कर रहे थे। जी हाँ, उसके सामने वाली सड़क पर। तब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कल वहां से गुजरने वाली एक बस में 22 लोगों की मौत हो गई। जी मैंने अखबार में पढ़ा था, काफी बुरा हुआ। हम आपकी शूटिंग की फुटेज देखना चाहते हैं, शायद आपकी शूटिंग की फुटेज में वो बस भी दिखी। जी हाँ जरूर, अगर हम किसी तरह कानून की कुछ मदद कर सके तो इससे ज्यादा गर्व की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। आइए प्लीज। तुम्हारे पास दो ही रास्ते, क्या या तो हम घर से भाग चलते हैं या फिर आत्महत्या। आत्महत्या क्या कर सकते हैं? तुम पागल हो गए हो? एक सेकंड पॉज करो। बस वही है सर, CR ट्रेवल्स की। अब इसके आगे प्ले करो। अरे इसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही बैग है जैसा राजेश का था। इसकी फोटो हर अखबार हर न्यूज चैनल में दे देते हैं, कोई तो पहचानेगा इसे। आगे प्ले करो। ये आदमी सड़क से गली के अंदर गया हमें। चलो गली में चलकर देखते हैं।
इसी गली में घुसा था ना वो आदमी? हाँ, गली तो यही है। अरे लेकिन ये गली तो वहां जाके खत्म हो जाती है, डेड एंड है वहां पे। हो सकता है वो इन्हीं में से किसी बिल्डिंग में रहता हो या यहाँ आया हो। एक काम करो, तुम लोग बिल्डिंग्स पे जाके पूछताछ करो, तब तक मैं रास्ते के आदमी से पूछता हूँ। अरे भाई, तुम रोज अपना ठेला यहीं लगाते हो? हाँ साहब, हम सवेरे 7 से रात के 9 बजे तक यहीं ठेला लगाते हैं। तब तो तुमने कल सुबह जरूर एक आदमी को इस गली में घुसता हुए देखा होगा, उसके हाथ में एक बैग था। आप CID? कल सवेरे साहब? हाँ, 8:30 से 9:30 के बीच में। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। सर, बिल्डिंग के सारे वॉचमैन से पूछताछ की सर, उनका कहना है कि उन्होंने किसी बैग वाले आदमी को नहीं देखा है और ना ही ऐसा कोई आदमी बिल्डिंग में रहता है। कमाल है, आगे रास्ता बंद, किसी बिल्डिंग में गया भी नहीं, तो फिर वो इस गली में घुसा क्यों? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी यहाँ पे सिर्फ बैग छुपाने के लिए आया था? बैग छुपाने? हाँ सर, जैसे ही वो बस से उतरा उसने सोचा होगा कि बैग को कहीं छुपा देता हूँ ताकि किसी को शक ना हो उसके ऊपर। हाँ सचिन, सुनो, कल तुम्हें इस डिब्बे में कोई बैग मिला था? नहीं साहब, कल तो मैं बीमार था साहब, कल मैं आया नहीं था साहब। इसका मतलब कल का कचरा अभी भी इस डिब्बे में ही होगा, चेक करो। मिल गया सर, ये रहा बैग। समझ गया, अंदर कुछ भी हो सकता है। ये रहा राजेश का अस्थमा पंप, ये बैग राजेश का ही है। सर, डॉक्टर तारिका को राजेश के बैग के ऊपर से एक खास आदमी के उंगलियों के निशान मिले। अच्छा, कौन है वो? सर, मुन्ना नाम का पुराना मुजरिम है, 2 साल पहले गन्स की स्मगलिंग में पकड़ा गया था। मुन्ना? पंकज, अपना डाटा चेक करो, निकालो इस मुन्ना का इतिहास। मुन्ना? सर, मुन्ना ने काफी प्लानिंग की होगी इस सब के लिए, राजेश पे नजर रखी होगी और ठीक राजेश के जैसा ही बैग बाजार से खरीदा होगा ताकि उसे बदला जा सके। सर, ये देखिए। सर, स्मगलिंग के अलावा मुन्ना सुपारी लेके खून भी करता है, मगर इसका कोई एड्रेस नहीं है। सर, एक हरिया नाम का आदमी भी काम किया करता था इस मुन्ना के साथ, मैं जानता हूं इसे, बाद में वो खबरी बन गया। वेरी गुड, फोन लगाओ इस हरिया को, पता ठिकाना मिलेगा इस मुन्ना का। यस सर, ये मुन्ना तो सुपारी किलर है, फिर ये आतंकवादियों के साथ कैसे मिल गया? पैसे को लालच दिया होगा, बन गया सुपारी किलर से आतंकवादी। सर, इस मुन्ना का पता चल गया सर। कहाँ है? पीपटवाड़ी में कहीं अपना अड्डा बना के रखा है इसने। पीपटवाड़ी? इस मुन्ना बेटा को लोरी सुनाने का टाइम आ गया है। मुन्ना एक आतंकवादी है, संभाल के, कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं है सर। कोई नहीं?
सर ये मुन्ना तो 9-11 हो गया। अपराधी अक्सर अपराध करके अपना ठिकाना बदल लेते हैं। एक काम करो, अच्छी तरह से तलाशी लो, कुछ ना कुछ जरूर छोड़ के गया होगा ये मुन्ना। सर मिला क्या निकल? इस नोटपैड पे कुछ लिखा गया था पर कुछ दिख नहीं रहा है साहब। उठा इसे, देखो कुछ काम का है क्या? सर। सर, बस का टिकट मिला है। एक बात तो पक्की हो गई कि वो बैग उस बस में मुन्ना नहीं रखा था, उसी बस की टिकट है। और टाइम और डेट भी मैच कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, मुन्ना ने बस एनडी नगर से पकड़ी थी, पीपलवाड़ी से नहीं? पर सर मुन्ना को एनडी नगर बस स्टॉप जाने की क्या जरूरत पड़ गई? उसके लिए तो पीपलवाड़ी का बस स्टॉप ज्यादा नजदीक पड़ता। वो इसलिए क्योंकि शायद मुन्ना एनडी नगर में किसी से मिलने गया था। इस नोट पैड से एनडी नगर के घर का एड्रेस मिला है सर। एनडी नगर, हमारी अगली मंजिल एनडी नगर का ये घर है। हो सकता है मुन्ना का ये नया ठिकाना। सर दरवाजा खुला है, लगता मुन्ना अंदर ही है, संभाल के। सर शराब की बू आ रही है। लगता है ज्यादा शराब पी के बाथटब में बेहोश हो गया। ये बेहोश नहीं है बल्कि इसकी मौत हो चुकी है। ये तो मुन्ना नहीं है, आखिर है कौन? सर इसका नाम सनी है, इसके पास में ये ड्राइविंग लाइसेंस है। सनी? मुन्ना जैसे आदमी के पास सनी का एड्रेस कैसे आया? एक काम करते हैं, पूरे घर को छान मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये भी तो उस बस में था ना, इसकी भी तो मौत हो चुकी है। सर फोटो देख के तो लगता है कि ये सनी और रणविजय एक दूसरे को जानते थे और लगता है गहरे दोस्त भी थे। ये कितने गहरे दोस्त थे इसके बारे में तो रणविजय के परिवार वाले बताएंगे। सनी और रणविजय बचपन के दोस्त थे। बचपन के दोस्त? हाँ, पांचों ने स्कूल और कॉलेज सब एक ही साथ किया था। पांचों ने? माजी आप किन पांचों की बात कर रही हैं? सन्नी और रणविजय के तीन दोस्त और भी थे उस बस में, अमित, उदय और राजेश। राजेश भी इन सबका दोस्त था? इसका मतलब ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि कोई तो ऐसा जरूर है
जिसने इन सबको ऊपर पहुंचा दिया। किसने मारा है उन बच्चों को? उन बच्चों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। किसी ना किसी से तो दुश्मनी जरूर थी माता जी, वरना खूनी ऐसे ही उनके पीछे नहीं पड़ता। इन पांचों के अतीत के बारे में पता करना होगा हमें। सर, सालों के सर की रिपोर्ट आ गई। सर, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सानी के बाथटब में डूबने की वजह शराब नहीं, ड्रग्स है, जो उन्हें सानी के खून में मिली थी। ड्रग्स? मतलब सनी शराब नहीं पीता था? नहीं। फिर क्या सनी ड्रग्स लेता था? नहीं विनीत, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है सनी को ड्रग्स वाला इंजेक्शन उसे गर्दन के पीछे दिया गया। कोई भी आदमी ड्रग्स लेगा अपने हाथ में इंजेक्शन लगाएगा, बाजू में लगाएगा, गर्दन के पीछे? हुआ कुछ ऐसा होगा कि मुन्ना ने सनी का दरवाजा खटखटाया, सनी ने दरवाजा खोला और अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ा तो मुन्ना ने वो ड्रग्स वाला इंजेक्शन उसके गर्दन के पीछे खोप दिया। सनी बेहोश होकर गिर गया, मुन्ना ने उसे उठाया और बाथटब में डुबो के मार दिया। आसपास शराब छिड़क दी ताकि लोगों को लगे कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। जिस तरह उस खून को एक्सीडेंट की शक्ल दी गई, ठीक उसी तरह इस बस वाले हमले को आतंकवादी घटना बना दिया उन्होंने। हम सोचते रहे कि इसके पीछे आतंकवादी संगठन का हाथ है, जबकि ये खून है खून। सनी की मौत हुई 6 से 7 बजे के बीच, मतलब 6 से 7 बजे के बीच सनी का खून करने के बाद मुन्ना एनडी नगर के बस स्टॉप पे पहुंचा और वहां उसने 7:45 बजे की बस पकड़ ली। फिर मौका देख के रास्ते में वो केमिकल वाला बैग राजेश के बैग के साथ बदल दिया। काम हो गया उसका। एक चौंका देने वाली बात पता चली है। क्या बात? सर, 5 साल पहले इस सनी पे खून का इल्जाम लगा था, मगर ऐन वक्त पे गवाहों ने कोर्ट में आने से मना कर दिया और सनी छूट गया। अच्छा, उन गवाहों में कहीं रणविजय और उसके 3 दोस्त तो नहीं थे? हाँ सर, वही लोग थे। ठीक कहा आपने। खून किसका हुआ था? किसी मोनिका नाम की लड़की का। मोनिका? मतलब खूनी मोनिका का कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो उसकी मौत का बदला ले रहा है। अब सीआईडी के आने का क्या फायदा? मेरे मोनिका को तो इंसाफ दिला नहीं पाए आप लोग, इसलिए अब आपके पति खून करके बदला ले रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा बुलाइए उन्हें। कहां से बुलाऊं? मर चुके हैं वो। क्या? उनकी भी मौत हो चुकी? जी हाँ। एक बूढ़े बाप के कंधों में इतनी ताकत नहीं होती कि जवान बेटी की आरती के साथ कानून की नाइंसाफी का बोझ भी सह सके। जब कानून ने मेरी मोनिका के खूनी को आजाद छोड़ दिया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, आत्महत्या कर ली उन्होंने। बहुत बुरा हुआ आपके साथ, प्लीज संभालिए अपने आपको। देखिए माँ जी, आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात का बेहद अफसोस है हमें। पहले आपकी बेटी मोनिका और उसके बाद आपके पति। बात दरअसल यह है कि कोई तो है जो मोनिका के खूनी और उसके दोस्तों की जान ले रहा है। क्या? मोनिका का कातिल मारा गया? ये किसने किया? हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर कोई मोनिका के पास वाला ही होगा। नहीं, लेकिन जो भी ये कर रहा है ना, मेरी दुआएं हैं उसके साथ। कोई तो है जो मेरी बेटी के खून का बदला ले रहा है। वो सिर्फ आपकी बेटी के खूनी को ही नहीं बल्कि साथ साथ कई मासूम लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अब अगर ऐसे आदमी को आप दुआ देंगे, माँ जी मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात होगी। माँ जी, मोनिका का कोई भाई है? जी नहीं, वो हमारी इकलौती संतान थी। तो फिर हो सकता है कि आपकी बेटी मोनिका किसी से प्यार करती हो? हाँ, वो और संजय एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, शादी भी होने वाली थी उनकी, पर वो तो बहुत नेक लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कितना नेक है वो तो हम पता कर ही लेंगे। संजय, ये क्या बकवास कर रहे हो मुन्ना? तुम सारे पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूं ना। संजय साहब, सारे नहीं, आधे पैसे। क्या मतलब? मतलब वो सारे पैसे 4 लोगों को मारने के लिए दिए गए थे, उनके साथ 18 लोग और मारे गए। उनका क्या, वो क्या मुफ्त में मारे गए?
देखो मुन्ना, ये तो सरासर बेईमानी है। बेईमानी के धंधे में ईमान ढूंढ रहे हैं। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। देखो मुन्ना, तुम्हें शुरुआत से पता था कि प्लान के हिसाब से बस में जितने भी लोग होंगे वो सबके सब मारे जाएंगे, ताकि वो चार दोस्त मारे जा सके, पुलिस को ये एक आतंकवादी हमला लगे। अब मेरे पास और पैसे नहीं है, तुम प्लीज यहां से जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे सबूत हैं मेरे पास। पुलिस को तुम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? देखो, ये सही नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, ये तो पहले सोचना चाहिए था। ठीक कहा, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। ये क्या कर रहे संजय? मुझे मुन्ना ना 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 मुन्ना ना अधूपर मुझे मुन्ना। जो आदमी 22 लोगों को मरवा सकता है वो क्या तुझे नहीं मार सकता? संजय मुझे मुन्ना ना। सीएडी रुक, बैठ, रुक। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब इस गुंडे मुन्ना ने किया है। पता ही है, बस में बैठे लोगों को मार दिया इसने। हमें पता है तुमने किया ये सब। मोनिका के खून का बदला लेना चाहते थे ना तुम? नहीं सर। नहीं? मैंने किया ये सब, क्या करता मैं? उन्होंने मुझसे मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी मोनिका को मुझसे छीन लिया। शादी होने वाली थी हमारी। खून का बदला खून, ये कहां का इंसाफ है? तुम अपने बदले की भावना में ये भी भूल गए कि जिन लोगों की जान तुमने ली वो भी किसी की जिंदगी थे, वो भी किसी का प्यार। इस सब मैंने इस अंधे कानून की वजह से किया है। खूनी को बाइज्जत विवाह कर दिया उन्होंने, क्या करता मैं? इसलिए मैंने उनको सजा दी। सजा तुमने दी, वही गलत किया। कानून के ऊपर भरोसा करते हैं, सच को सामने लाने की कोशिश करते तो शायद मोनिका के खूनी को सजा हो जाती, लेकिन अब तुम दोनों को सजा होगी, वो भी फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।